Hey guys, कॉमिकर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले हफ्ते एक बहुत ही एक्साइटिंग सा क्लिफहैंगर डिलीवर करने के बाद मिस मार्वल का एपिसोड 5 पार्टीशन वाले इशू को लेकर सामने आ चुका है, और इसे देखने के बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरी थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग्स है। तो कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करने वाले हैं मिस मार्वल के एपिसोड 5 के बारे में कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। तो बिना इश्क में खंबा उखाड़े चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मिस मार्वल के अभी तक जितने भी एपिसोड्स चलते आ रहे थे उन्हें देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन हाँ मुझे सीरीज पूरी भी नहीं लग रही थी। लेकिन आई हैव टू से कि इस वाले एपिसोड ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा। इसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये दो हाफ्स की कहानी है। पहले वाला हाफ जिसमें हमें पार्टीशन की कहानी दिखाई गई वो देखने में मजेदार था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा हाफ था वो इतना खास नहीं। तो मिस मार्वल का एपिसोड 5 शुरू होता है सुरैया जी के तू मेरा चांद गाने से, जो 1949 में रिलीज हुआ था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मार्वल के इंट्रो में मैं इस तरह का कुछ देखूंगा। स्पेशली वो जो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट और सेपिया की जो फिल्म देखी थी हमने, वो तो कभी भी नहीं सोचा था। फिर इसके बाद हमें एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप दिखाई जाती है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन वाला इशू था उसके बारे में बात हुई। एंड पर्सनली मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी इस चीज को काफी स्मूथली एड्रेस किया जा रहा है। ऑल्दो जो पूरा पार्टीशन वाला सिनेरियो हमने देखा था वो उतना ज्यादा इंटेंस नहीं था जो एक्चुअल रियलिटी है। और ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा था कि चीजें थोड़ी सी माइल्ड फॉर्म में दिखाई जाएंगी, हम लोगों को उतना इंटेंस सब कुछ नहीं होगा। प्लस इतने टाइम से हम लोग मिस मार्वल का इंट्रो इंग्लिश में तो देख ही रहे थे, लेकिन इस बार हमने उसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल सब में देखा, which was totally unexpected। और unexpected से मुझे याद आया कि इसका अगला ही सीन क्रिकेट के साथ साथ फवाद खान से हमें इंट्रोड्यूस करवाता है, जो एक्चुअली में कमाला के पर नाना है। इनका नाम हसन होता है, ये गुलाबों की खेती करते हैं, और उसी समय इनकी मुलाकात हो जाती है कमाला की पर नानी आयशा से। अब उसे देखते ही आयशा पसंद तो कर लेती है, लेकिन जैसे ही हसन उसको खांस डालना शुरू करता है तो वो क्लासिक गेम ऑफ भाव नहीं देना शुरू कर देती है। लेकिन हमारे फवाद भैया भी कम गए हैं, पराठा बना करके शायरी सुना दी। और इससे मुझे याद आया कि जो पोएम हमें सुनाई गई है व्हेन द सोल लाइज डाउन इन दैट ग्रास, इसे एक्चुअली में रूमी ने लिखा था, और इसकी लाइनें थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन हसन इनको थोड़ा सा चेंज कर देता है ये बोलकर कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, और यही लाइन आके जाकर कमाला की पावर्स का फाउंडेशन बनती है। लेकिन क्योंकि कॉमिक वर्स है तो कॉमिक बुक्स की बातें थोड़ी सी कर ही लेंगे। तो कॉमिक बुक्स में इन दोनों की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इनफैक्ट कॉमिक बुक्स में आयशा का जो हस्बैंड है वो हसन नहीं बल्कि करीम होता है, लेकिन इस एपिसोड में क्योंकि करीम रेड डैगर था तो उससे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए प्रोबेबली इन लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया, और वहां पर वो लोग बॉम्बे से कराची जाते हैं पार्टीशन के टाइम पे, वेराज यहां पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट थी। स्पीकिंग ऑफ पार्टीशन, ये जो पूरा का पूरा सीन था जहां पर हमें ट्रेन वगैरह देखने को मिली थी, तो इसमें मुझे बढ़िया सी गदर वाली वाइब्स आ गई। लेकिन ये भी समझ में आया कि हसन असल में इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जाना नहीं चाह रहा था, वो तो आयशा को नजमा ढूंढ निकालती है तो उसके थ्रेट में आकर उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। लेकिन इसके बाद शुरू होता है असली कंफ्यूजन जब नजमा आकर के आयशा को जान से मार देती है, वो छुरौरा घोप देती है। तो इतने ज्यादा केओस में हम लोग देखते हैं कि आयशा के पास उसका कंगन नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, और फिर कमाला वहां से इधर पहुंच जाती है। अब देखो, लास्ट एपिसोड में जब हमने कमाला का टाइम ट्रैवल देखा तो ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई थी कि एक्चुअली में उसकी नानी की जान कमाला की पर नानी मतलब आयशा ने नहीं बल्कि कमाला ने खुद बचाई होगी, क्योंकि टाइम ट्रैवल कहानियों में यही होता है कि जिस चीज को आप रोकने जाते हो आप खुद ही उसका कारण बन जाते हो। और यहां पर तो क्लासिक हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान वाला सीन हुआ, जब वो हैरी अपने पिताजी का इंतजार करता रहता है और बाद में उसको रियलाइजेशन होता है कि उसकी अपनी जान बचाने वाला वो खुद ही है। तो यहां पर भी कमाला की नानी की जान वो खुद ही बचाती है। और देखो, टाइम ट्रैवल और कंफ्यूजन दो ऐसे लंगोटिया यार हैं जो एक दूसरे की चड्डियों में पेशाब करते रहते हैं, तो इसीलिए जहां जहां टाइम ट्रैवल होगा वहां वहां आपको कंफ्यूजन मिलेगा। तो यहां पर भी एवेंजर्स एंड गेम के टाइम ट्रैवल को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर कमाला ने पास्ट में जाकर कोई भी चीज चेंज करी है तो उससे नई टाइमलाइन क्रिएट कैसे नहीं हुई। तो यहां पर मुझे लगता है कि एवेंजर्स एंड गेम की तरह जब एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया तो ऐसे टीवी वाले बताते हैं कि दे वर मेंट टू डू इट, तो वैसे ही कुछ कुछ कमाला के साथ भी होगा। मतलब वो टाइम में पीछे गई है और उसने जो कुछ भी किया है शी वॉज एक्चुअली मेंट टू सपोज टू डू इट। या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है कि इन लोगों ने टाइम ट्रैवल करने के लिए क्योंकि मैजिक का इस्तेमाल किया है, कोई क्वांटम साइंस का नहीं, तो इसीलिए वो ट्रेडिशनल टाइम ट्रैवल रूल्स को फॉलो नहीं करती चीज।
पता नहीं यार, मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूँ, आपको क्या लगता है कमेंट्स बताना मत भूलना। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि मार्वल वाले अगर चाहते तो इस पूरी चीज को बहुत ही स्मार्ट वे में हैंडल कर सकते थे। जब लास्ट एपिसोड में हमें ये बात बताई जाती है कि कमाला टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आ चुकी है, तो ऑलमोस्ट ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो खुद ही अपनी नानी को बचाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अगर उस एपिसोड को वही कंगन वाले सीन पर एंड कर देते और इस वाले एपिसोड की कहानी इसी की तरह आयशा और उसके पति से होती और फिर इस पूरी ट्रेन वाली सीक्वेंस में जब आयशा अपनी पावर्स को कॉल आउट करती है तो हम लास्ट एपिसोड का वही सेम सीन देखते और फिर कमाला यहाँ पे आती, तो ये चीज काफी ज्यादा एक्साइटिंग और अनप्रेडिक्टेबल टाइप की हो जाती। और चलो वो सारी की सारी चीजें ठीक है, जो चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है वो ये है कि जब कमाला वही वाली फोटो अपनी असली नानी को आके देती है तो फिर बचपन वाली नानी के पास तो वो फोटो रहेगी नहीं। तो अगर बचपन वाली नानी के पास वो फोटो नहीं रहेगी तो फिर बड़ी वाली नानी के पास भी नहीं होना, मतलब कंफ्यूजन का हो गया कन्फ्यूजन। अभी बता देना आपको जो लगता है। और यहाँ तक ये एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इसके बाद से जो इसका सेकंड हाफ है, मतलब जैसी कहानी प्रेजेंट में आती है और हम वो सुपर हीरो वाला एलिमेंट देखते हैं, तो वहां से मेरा मजा थोड़ा सा ऐसा होना शुरू हो गया। क्योंकि सबसे पहले हम एक व्हील को देखते हैं, मतलब ये वो न्यू डायमेंशन है जहां पर ये जिन लोग जाना चाह रहे थे और उसके दरवाजे खुलते ही ये लोग उसको छूते हैं, और ऐसा सस्ता टट्टी एनिमेशन हमें देखने को मिला कि मैं क्या बताऊं। ऑल्दो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इसे देखकर मुझे एजेंट्स ऑफ शील्ड का वो जो टेरेजेनेसिस वाला सीक्वेंस है उसकी याद आ गई। कौन है जो मार्वल के अंदर बैठा है और इस चीज को देखने के बाद उसने कहा होगा शाबाश डाल दो इसको। लेकिन कंफ्यूजन और सवाल यहाँ पे खत्म नहीं होते, क्योंकि मेरे को इस चीज ने भी कंफ्यूज किया कि आखिरकार नजमा ने खुद जाकर इस व्हील को बंद कैसे किया, और तो और उसने सिर्फ कमरान का नाम लेकर उसे पावर्स कैसे दे दी। लेकिन इस पूरे आखिरी के 10-15 मिनट की सीक्वेंसेस को देखकर मुझे ये भी समझ में आ गया कि इन लोगों ने सीजीआई के पैसे भी बचाए हैं और ये चीजें बिल्कुल भी प्लान नहीं थी। प्रोबेबली इन लोगों ने इसे लास्ट मिनट शूट किया जब हमें ये पता लगा था ये लोग कुछ रीशूट्स वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पूरी सीक्वेंस है जहां पर कमाला की मॉम को उसके बारे में पता चलता है तो वो उतनी ज्यादा इमोशनल और हार्टफेल्ट फील ही नहीं हुई। इतने एपिसोड से वो इस चीज का बिल्डअप करते आ रहे थे कि वो अपनी माँ से अपनी पावर्स को छुपा रही है, और आखिरी में जब उनको इस बारे में पता लगता है तो उनका रिएक्शन था है तुम ही हो, कोई बात नहीं बेटा घर चलते, तुमको मैं वो अपनी एल्बम वेल्बम दिखाती हूँ, हमारे भी जलवे थे जवानी में। बट नंदलेस कमाला अपना मिशन कंप्लीट करती है और उसको अपने सूट के एक दो चीजें और मिल जाती है, जैसे एक लाल रंग का दुपट्टा जो करीम उसे देता है और उसका टूटा हुआ लॉकेट जिसमें मिस मार्वल का लोगो बना हुआ है। लेकिन इस एपिसोड का एंड कितना ज्यादा बकवास था, एटलीस्ट ब्रूनो को अपना सेंटेंस तो कंप्लीट करने देते, एडिटिंग भी पूरी नहीं कर पाया यार। मतलब कमरान उसके घर पे गया है और वहां पर डीओडीसी वालों ने एक मिसाइल छोड़ दी और पूरा का पूरा उसको उड़ा दिया, और बस वहीं पर एपिसोड खत्म। तो कुल मिला के मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मिस मार्वल का एपिसोड 5 फर्स्ट हाफ मुझे अच्छा लगा, लेकिन सेकेंड हाफ ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। ये वाला एपिसोड बहुत बड़े बड़े पेसिंग इश्यूज से सफर करता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ काफी वेल पेस्ड लगता है, वहीं पर जो सेकेंड हाफ है उसकी पेसिंग मेरे को नहीं समझ में आई। और हाँ, हमें ये भी समझ में आ गया कि करीम द रेड डैगर जो है वो हमें आगे एमसीयू में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कॉमिक बुक्स में भी आगे जाकर यूएसए पहुंच जाता है, तो यहां पर भी उसकी थोड़ी बहुत हिंट्स दे दी गई हैं। बट देन अगेन, अचानक ही जिन लोगों का न्यू डायमेंशन वाला जो पूरा एंगल था उसको इन लोगों ने शुरू से टीज करा, और आखिरी एपिसोड में जाकर अब ये पता लग रहा है कि मेन विलन्स डीओडीसी वाले होंगे, एंड ये पूरा का पूरा एंगल मुझे इतना ज्यादा एक्साइटिंग फील नहीं होता। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आई होप मिस मार्वल का फिनाले मुझे गलत प्रूफ करे और एक बहुत ही बढ़िया सा एपिसोड डिलीवर करे। लेकिन ये भी अब मार्वल के बाकी शोज की तरह उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कि जो आखिरी एपिसोड है मतलब फिनाले लैंडिंग स्टिक नहीं कर पाता। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैपअप करेंगे। आपको इस एपिसोड के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्ल्ड से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑस।